मेट्रो को चलाने के लिए जर्मनी की कंपनी ने जनपद में रूट का किया सर्वे। जिलाधिकारी ने कहा शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को आईटीएमएस कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कहा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है आईटीएमएस, जनपद में होने वाले अपराध पर भी लग रहा है लगाम। एक सौ बाईस क्रय केंद्रों पर जनपद में धान खरीदारी का कार्य हुआ शुरू। 271 कुंतल की अभी तक हो चुकी है धान की खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अक्टूबर को ग्राम डांगीपार में हुए युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को खुरावार थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त शिवम राय को खुरावार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एक सौ सैतालीस ग्राम अवैध नशीले अल्प्राजोलम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर में संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम के फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग की मशीन तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने वाले वाहनों को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करेगी सभी मशीनें। वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। 21 ब्लॉक के विद्यालयों के छात्रों ने प्रदर्शनी में लिया प्रतिभाग। उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाने वाले विद्यालय के छात्रों को किया गया सम्मानित। कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में क्रिश्चियन सेमेट्री में ऑल सोल्स डे का किया गया आयोजन। फादर बेनी ने कहा मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का है विकास। माध्यमिक विद्यालय के दो दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों ने खेल में दिखाया अपना प्रतिभा। मुख्य अतिथि ने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ले सकेंगे भाग। और अक्षय नवमी पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे किया पूजा परिक्रमा। कहा आंवले के वृक्ष में इस दिन भगवान विष्णु का होता है वास। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की होती है प्राप्ति।